हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो देखिए, यहाँ पे जो झारखंड में शिक्षक नियुक्ति को लेके पेंडिंग चल रही थी, यहाँ पे नियुक्ति प्रोसेस, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि झारखंड में जो है नियोजन नीति 2016 पर जो केस हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया है, मैं आपको पहले ही बता दी थी कि यहाँ पे देखिए नई मेरिट लिस्ट जारी करने वाली है, और आज भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन मैं आपको एक प्रूफ के साथ बताती हूँ। जैसा कि बहुत लोगों को यहाँ पे बिलीव नहीं होता है, तो मैं देखिए पेपर कटिंग के थ्रू जो इसमें आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन आई है मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, झारखंड नियोजन नीति 2016 केस में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की SLP, यानी कि जो SLP दारिज हुई थी उसको खारिज करते हुए नियुक्तियां को सुरक्षित कर लिया गया। यानी कि इससे अब प्रभावित कौन कौन सी नियुक्ति होने वाली है, तो झारखंड में होने वाली सभी नियुक्ति इससे प्रभावित है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे। तो यहाँ पे देखिए, 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल SLP पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इतने सालों से इसका वेट हो रहा था, तो उसके बाद आखिर में ये फैसला ले लिया गया है, और कैंडिडेट के अभ्यर्थी के हित में ही लिया गया है। जैसा कि देखिए, इसमें कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए SLP को खारिज कर दिया है, और अदालत ने 2016 नियोजन नीति के तहत हुई नियुक्तियों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। यानी कि जो SLP दायर हुई थी उसको जो रद्द कर दिया, और 2016 की जो नियोजन नीति थी उसको भी सुरक्षित रख दिया है। साथ ही नई मेरिट लिस्ट जारी करने का भी आदेश दिया है। बता दें कि 22 मई को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस EMR शाह और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच में यह आदेश पारित किया है कि झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को पूर्व की नीति के अनुसार नियुक्त लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, और झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करने की मांग की थी। राज्य सरकार द्वारा लागू नियोजन नीति की चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के फैसले को गलत करार दिया था। हाई कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की वृहद खंडपीठ में सर्वसम्मति से यह आदेश पारित किया गया कि इसमें कि झारखंड ने जो है 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया रद्द कर दे। और यहाँ पे बताया जाता है कि 13 जिलों वाले अभ्यर्थी जो है 11 जिलों के लिए आवेदन कर सकते हैं, 11 जिलों वाले जो है 13 जिलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो यहाँ पे शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पेंडिंग थी उसे अब एक्टिव मान लिया गया है, और JSC की तरफ से एक नई मेरिट लिस्ट यानी कि नई कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश मिल चुका है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, पहली बार चैनल पर विजिट करें, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और देखिए, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज वहां पे जैसे ही उसकी कॉमन मेरिट लिस्ट जारी होती है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं।